एक गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था सलजी और दूसरे का नाम था मलजी। दोनों भाइयों में अटूट प्रेम था, किंतु उन दोनों को रतौंधी का रोग था। रात होते ही उन्हें जरा भी दिखाई नहीं देता था। इस बात को छुपाने के लिए उन्होंने एक तरकीब भी खोज ली थी। वे रात के पहले ही सारे काम धंधे खत्म कर लेते थे, फिर आराम से बैठकर गप्पे मारते थे। एक दिन वे दोनों भाई अपने ससुराल रवाना हुए। दोनों भाइयों का एक ही जगह विवाह हुआ था। दोनों ने सोचा कि दिन बीतने के पहले ही ससुराल पहुंच जाएंगे। इस कारण उन्होंने बैलगाड़ी को तेज चलाया। ससुराल की सरहद पर पहुंचकर उन्हें ध्यान आया कि ससुराल दिन में नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी के बैल खोल दिए। दोनों भाई एक पेड़ के नीचे बैठ गए और चिलम पीने लगे। दिन बीत गया। गप्पों में उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि रात को वे अपने बैल कैसे ढूंढेंगे। तब सलजी ने चिंतित होकर कहा, भाई अपने बैलों को तो ढूंढो। इस अंधेरे में हम उन्हें कैसे देख पाएंगे। मलजी ने सलजी से कहा, हमें दिखाई तो देगा नहीं, क्यों ना हम इस पगड़ी को फैलाकर चलें। इसके बीच जो भी अटकेगा उसे हाथ लगाकर देखते जाएंगे, आखिर में बैल मिल ही जाएंगे। बस दोनों भाइयों ने पगड़ी का एक एक सिरा पकड़ लिया। पगड़ी 100 गज लंबी थी। अब वे जंगल की ओर बढ़ते गए। कभी पगड़ी पेड़ में अटक जाती और कभी किसी झाड़ी में। इस तरह काफी रात बीत गई। बैल नहीं मिले। दोनों भाई बड़े दुखी हुए। करे तो क्या करें? अचानक उन्हें एक बटोही ने देख लिया। वह लपक कर पास आया। तारों के उजास में उसने देखा तो वह दोनों को पहचान गया। खुशी भरे स्वर में बोला, बहनोईसा, आप यहाँ कब पधारे और इस पगड़ी से यह क्या कर रहे हैं? दोनों भाइयों के मुंह उतर गए। सोचा कि अब की बार उनकी पोल खुली। सलजी ने फिर इस पोल पर खोल चढ़ाया। बोला, सच कहूँ? यह मलजी हर बात की हट करता है। यह कह रहा है कि यह खेत 80 हाथ का है और मैं कह रहा हूँ कि 100 हाथ का। बस इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसको माप करके सही स्थिति का पता लगा लें।